36 साल का एक ऐसा तेज गेंदबाज है जिसका नाम आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाजों को वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तेज गेंदबाज ने 36 साल में वनडे क्रिकेट इतिहास में बुधवार को इतिहास रच दिया है। तो जानेंगे इस पूर्ण बाजों को पीछे छोड़ दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक। अनुभवी तेज गेंदबाज बिलाल खान ने बुधवार को वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया। बिलाल खान सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने नामीबिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में एक मेडन के सहित 50 रन देकर के 3 विकेट झटके। इसी के साथ इस तेज गेंदबाज द्वारा सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब बिलाल खान के नाम पर दर्ज हो गया है। आपको ये भी बता दें कि शाहीन अफरीदी ने अपने वनडे करियर में 51वें मैच में 100 विकेट पूरे किए थे। वहीं कंगारू पेसर मिचेल स्टार्क ने 52वें मैच में 100 विकेट का आंकड़ा पूरा किया था और भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 56 मैचों में और जसप्रीत बुमराह ने 57 मैचों में 100 विकेट का आंकड़ा पार किया था। वहीं अगर ये बात करें कि सबसे तेज 100 वनडे विकेट किन खिलाड़ियों ने लिए हैं, तो ये इस समय बिलाल खान ओमान टीम से हैं जिनके 49 मैच में पूरे हुए हैं, उसके बाद शाहीन अफरीदी 51 मैच में पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 52 मैच में, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के सेन बॉन्ड ने 54 मैच में इस कीर्तिमान को हासिल किया था और बांग्लादेश के मुस्ताफिजुर रहमान ने भी 54 मैच लिए थे और ऑस्ट्रेलिया के ब्रेडली ने 55 मैचेस लिए थे। वहीं न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को 56 मैचेस लगे थे और टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी 56 मैचेस और टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह 57 मैचेस, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 57 मैच में 100 विकेट का कीर्तिमान अपने नाम हासिल किया था। वेल गाइस, क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स एंड अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।